सतना जिले के चित्रकूट अनुभाग अंतर्गत ग्राम पंचायत देवलहा में स्थित इंडो न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी प्रबंधन द्वारा की जा रही मनमानी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी द्वारा पार्टी के प्रदेश सचिव आशुतोष द्विवेदी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कंपनी के गेट पर प्रदर्शन कर 7 सूत्री ज्ञापन तहसीलदार मजगमो को सौंपा गया। साथ ही चेतावनी दी गई है कि 15 दिनों में मांगे नहीं मानी गई तब फिर कंपनी के गेट पर अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। गौरतलब है कि मजगमा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत देवलहा के डांडी बस्ती में करीब 2017-18 में इंडो न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी की स्थापना की गई थी। कंपनी बनकर तैयार होने और उसके बाद शुरू होने के बाद कंपनी प्रबंधन द्वारा अपनी मनमानी शुरू कर दी गई। न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी प्रबंधन द्वारा ना तो स्थानीय निवासियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया और ना ही गेट गोद ली गई बस्ती डांडी में शिक्षा स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराई गई। उल्टे कंपनी से निकालने वाले वेस्टेज को इधर उधर फेंका जाने लगा, जिसको खाकर स्थानीय पशुओं की मौत होने लगी, साथ ही वातावरण प्रदूषित होने लगा। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव आशुतोष द्विवेदी द्वारा कुछ दिनों पूर्व मजगमा SDM को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही करने की मांग की गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा कंपनी प्रबंधन के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके फलस्वरूप कांग्रेस पार्टी द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी कंपनी के गेट पर प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। तहसीलदार जितेंद्र तिवारी द्वारा कहा गया कि सौंपे गए ज्ञापन में जो मुद्दे उठाए गए हैं उनकी जांच करवाई जाएगी। कांग्रेस नेता आशुतोष द्विवेदी ने कहा कि कंपनी में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने सहित 7 सूत्री मान कंपनी प्रबंधन सहित तहसीलदार मजगमा को सौंपा गया है। अगर 15 दिनों के अंदर मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो उसके द्वारा कंपनी के गेट पर बैठकर सत्याग्रह आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। विराट 24 के लिए सतना से संपत मिश्रा की रिपोर्ट। ये मीटिंग में है पाड़ी जी, है दोबारा ये याद कर देना भला। पहला है कि क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार दिया जाए, दूसरा बिंदु है हमारा कि जो फैक्ट्री से निकलने वाला प्रदूषित पदार्थ है उसको व्यवस्थित किया जाए, कोई सेप्टिक टैंक बनाया जाए या कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि जिससे मवेशी वगैरह उसको ना खा पी पाए ताकि उनकी मृत्यु ना हो। तीसरा, जो पटना बांध का पानी जो सीपेज का जो लिया जा रहा है जो रोहनिया गाँव में जाता है उसको कंपनी ना ले। चौथी हमारी मांग थी कि फैक्ट्री में कार्यरत प्रत्येक कर्मचारी का बीमा कराया जाना चाहिए। और पांचवी मांग है हमारी, फैक्ट्री में महिलाओं को भी बराबर की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उनको भी यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए। छठवीं मांग है कि फैक्ट्री से जो प्रदूषण निकलता है ये एक प्रकार का सुझाव भी है हमारा, तो इस प्रदूषण को रोकने के लिए यहाँ पे कुछ लगभग 2,500 पौधे लगाए जाने चाहिए। और सातवीं मांग है हमारी कि जो डाणिन गाँव है जो फैक्ट्री ने गोद लिया है उसमें शिक्षा स्वास्थ्य और पेयजल की समुचित व्यवस्था की जाए। मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो 15 दिन बाद अनिश्चितकालीन सत्याग्रह अनशन करूंगा। मैं अकेले बैठकर यहां पर अनशन करूंगा फैक्ट्री गेट पे। तो कांग्रेस पार्टी की ओर से आदरणीय आशुतोष द्विवेदी जी ने क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के, कंपनी के प्रबंधन को लेकर के, कंपनी की समस्याओं को लेकर के, जो लोगों को परेशानी है उसको लेकर के और अपनी बातें रखी है। और ये क्षेत्र की जागरूकता है कि अगर कहीं कोई समस्या होती तो अपनी बातें रखी जाती ताकि समस्या का निदान हो सके। 7 बिंदु का ज्ञापन है और सभी 7 बिंदुओं पर हमारी चर्चा हुई है। एक एक करके देखेंगे, प्रबंधन से हम व्यक्ति से भी चर्चा करेंगे, प्रशासन से चर्चा करेगा और अगर कहीं प्रशासनिक जो नियमावली है और उन्होंने जो वैधानिकता का कहीं उल्लंघन किया है तो निश्चित रूप से उस पर प्रशासन अपना एक्शन लेगा।
और एश्योर करेंगे कि जो जिस कमिटमेंट के साथ कंपनी यहाँ लगी हुई है, फैक्ट्री लगी हुई है, उस कमिटमेंट को पूरा। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगड़ाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगड़ाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोरहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9962578962758722 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।